बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये लोअर कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, इसके बाद सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे इसको, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा है कि कुछ नहीं तो परेशानी तो होगी ना इनको, मरते दम तक ये केस चलेगा, जब तक ये हॉस्पिटल के आईसीयू में आखिरी सांसें ले रहे होंगे ना, तनुश्री दत्ता हरासमेंट का केस लड़ रही होगी, 99 साल की उम्र भी हो जाएगी ना इन लोगों की। देखो मैं तो इनसे यंग हूँ ना, हम लोग लास्ट तक, मेरी टीम पूरी साथ तक, पूरा सुप्रीम कोर्ट तक इनके साथ लड़ेंगे। मैं तो यंग हूँ ना, मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है। और इन्होंने मेरे को एक चीज मेरे को बोल के रखी है, मैंने उनको बोला नितिन जी केस पता नहीं कितने दिन तक चलेगा, बोले जितने दिन तक चलेगा मैं आपके साथ हूँ। मैंने बोले 10 साल चला, हाँ 10 साल मैं साथ हूँ। और एक और चीज़ मैं आज बताना चाहती हूँ मीडिया को, ये बताना ज़रूरी है इनके बारे में, ये हमेशा मुझे बोलते हैं मत बताओ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो इन पे भी आई है ना मुसीबत, तो ये बताना ज़रूरी है, इन्होंने मेरा केस प्रो बोनो फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। लास्ट ईयर जब ये मुझसे मिले तब मैंने इनको क्लियरली एक चीज़ बात बताई, मैं उनसे जिस दिन मेरा वो इंटरव्यू था ना अर्णव के साथ, अर्णव गोस्वामी वाला जो इंटरव्यू मैं दे रही थी, उस दिन वो मुझसे मिलने आए थे ऑफिस के बाहर, मैं इनसे 5 मिनट मिली गाड़ी में, मेरी गाड़ी में 5 मिनट्स में इनकी बातें सुन के मैं समझी कि ही विल बी माई एडवोकेट, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए, आई कैनॉट अफोर्ड अ केस, 10 साल मैंने फिल्में नहीं करी है, मैं इवेंट्स करके थोड़ा बहुत मेरा गुजारा निकल जाता है, बट मैं आई कैनॉट अफोर्ड अ लेंदी कोर्ट केस, यू नो कब तक चलेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ कहाँ ये वो, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इन्होंने बोला आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आई एम टेकिंग योर केस फॉर जस्टिस, आई जस्ट वॉन्ट टू गेट यू जस्टिस, हम इसको जस्टिस तक लेके जाएंगे, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर उन्होंने बाद में बोला कि, मैंने उनको बोला कि आपने तो केस प्रो बोनो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 10 साल तक चला तो, क्योंकि हाँ 10 साल तक चलेगा तो चलेगा, यू नो, सो दैट इज़ वाई मैं इन लोगों को बोल के रखना चाहती हूँ कि मैं नहीं रुकूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी मैं जहन्नुम करके छोड़ूंगी, यू नो, तुमको अगर चैन से जीना है तो तुम सरेंडर करो, गलती मानो और सरेंडर करो, ताकि बाकी की जो ज़िंदगी बची है ना, तनुश्री दत्ता का भूत और साया तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाली, मैंने करियर खोया अपना, और सिर्फ करियर नहीं, मेरा पैशन था एक्टिंग और डांसिंग, और बहुत मेहनत से मैंने उसको बनाया था, और ईश्वर की कृपा से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड है और कोई बड़ा स्टार उनको सपोर्ट कर रहा है या कोई उनको प्रमोट कर रहा है, फिल्में दिला रहा है, सारा सब कुछ मुझे ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से मिला, छोटा छोटा भी मिला, मैंने उसमें काम किया, और वो भी मुझसे छूट गया इन लोगों की वजह से, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी, पक्का है ये। और ये लेसन है, सीख है सारी लड़कियों के लिए और सारे मर्दों के लिए जो लड़कियों को परेशान करते हैं कि भैया सब बच के रह जाओ, कि दूसरी तनुश्री दत्ता पैदा होएंगी अभी सारी, यू नो, तो अब कांड मत करना कोई उल्टे सीधे, ढीठ तो जो अब सनक गई है ना मेरी, तो अब ये सनक चलेगी, अब जब तक कि मैं, मुझे कॉम्पनसेशन जस्टिस और जब तक कि मेरी लाइफ रेजरेक्ट नहीं हो जाती फिर भी चलेगी। मेरे साथ ये बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ जो टीम है, आशीष है, दिव्या, ये भी इनका भी कमिटमेंट है, आखिरी मोमेंट तक, लास्ट तक ये साथ में रहेंगे, तनुश्री के साथ में रहेंगे, बोले सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए मामला। हाँ सजा तो होनी चाहिए, बिना सजा नहीं, नहीं, ये जो अमाउंट होता है ये कोर्ट डिसाइड करता है, उसमें प्रावधान है, कानून में प्रावधान है, ये कॉम्पनसेशन क्या देना चाहिए वो देखा जाता है, कि मांगेंगे हम लोग। हाँ वो हमने अमाउंट अभी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि वो हमारे लिए प्रथम इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि वो कोर्ट की प्रोविजन है, तो इसने हम लोगों ने कॉम्पनसेशन की बात रखी है, लेकिन क्या अमाउंट होगा, क्या होगा, वो हमारे, मेरे टैक्स रिटर्न्स उन दिनों, उस ज़माने में जब मैं काम कर रही थी, मेरी कितनी इनकम हुआ करती थी, वो सब देख दाख के, मतलब ये जो मेरा गैप हो गया है कितना मेरा, वो सब देख दाख के कोर्ट डिसाइड करेगा, हम लोग बाद में सोचेंगे, वो मेरा प्रायोरिटी नहीं है, मेरा प्रायोरिटी है जस्टिस पाना, उनको सज़ा दिलाना, सज़ा से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, सज़ा तो इनको मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसे दे के छूट जाएंगे, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, आई एम नॉट फॉर सेल, सज़ा होगी, सज़ा, आई एम पुशिंग फॉर पनिशमेंट, क्योंकि सज़ा होगी तभी इनको अकल आएगी, तुम हर चीज़ को तुम पैसे देके खरीद लोगे ऐसा नहीं चलेगा, गलती की है तो तुमको गलती का की भरपाई ऐसे करनी पड़ेगी, ताकि दुनिया को और सबको ये सीख मिले
कि यू विल नॉट गेट अवे विद इट. सज़ा तो होगी 100%, लेकिन कॉम्पनसेशन की बात है वो बाद में देखेंगे, पता नहीं क्या करना. एनी क्वेश्चंस? जी नहीं, उसका रोल अभी करेंगे, उसमें वो ऑप्शन है अभी, आप हमको एडिशनल अभी फाइल करना है, उसके बारे में भी ऑलरेडी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, पिछले साल हमने डाले थे उशीवारा पुलिस स्टेशन में वो सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आना बाकी था, इसलिए हमने वो ऑप्शन अभी प्रिजर्व रखा है कि अब बाद में एडिशनल रिप्लाई फाइल करेंगे, इसमें उसमें लाएंगे सारी चीज़ें. नहीं, उसने क्या, वो उसने जो उल्टी सीधी चीज़ें करी, फिर माफ़ी मांग के फंस गई है वो. तो एडमिशन है उनकी तरफ से, एडमिशन के उन्होंने गलत किया है. हाँ, तो उसका देखेंगे क्या करना है, लेकिन छोड़ूंगी मैं तो उसको. प्रेजेंट पिटीशन में अभी उनके बारे में कुछ नहीं है, सिर्फ चार आरोपी के खिलाफ है, बाकी जो एडिशनल फाइल करना है उसके बारे में सोच रहे हैं अभी हम लोग, उसे कंसिडर करके फिर करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे. हिसाब मैं सबका लूँगी. 10 अक्टूबर 2018, 10 अक्टूबर 2018, ओशिवारा पुलिस स्टेशन, मुंबई, अंधेरी. वेल, मैं उसको वैसे ही देखती हूँ जैसे कि वो है. कुछ जगहों पे सक्सेस हुई है, जैसे कि अनु मलिक को निकाल दिया गया, पहली बार निकाला. मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको वापस शो में डाल कैसे दिया था. खैर, फिर से उनको निकाल दिया गया, उसको एक सक्सेस माना जा सकता है. लेकिन कुछ मामलों में मूवमेंट स्ट्रगल भी कर रही है, जैसे कि कुछ मामले ऐसे हैं जैसे लड़कियों ने केस ही वापस ले लिया. ठीक है, अब जब ये खबरें बाहर आती हैं कि किसी लड़की ने केस किया था या कंप्लेंट दी थी और उसने कंप्लेंट वापस ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर बहुत दबाव डाला गया है. ये कॉमन सेंस की बात है, सबको समझनी चाहिए कि अगर किसी लड़की ने अपना केस वापस लिया है या अपनी कंप्लेंट वापस ली है, इसका मतलब है कि उस पर बहुत हाई लेवल का प्रेशर डाला गया है. और जनरली लड़कियों में उतनी वो क्षमता नहीं होती है कि वो लड़ पड़े. हमको बनाया नहीं गया उसके लिए. मैं अधिकांश लड़कियों की बात कर रही हूँ, हमको नहीं बनाया गया है जंग लड़ने के लिए. हम काम कर रही हैं, वी आर वर्किंग एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वही बहुत काफ़ी है. ये जो मर्दों वाला जो अग्रेशन, झगड़ा, वो जो है ना कि मतलब मार्क, हमको नहीं बनाया गया है वैसा. और ये जब कंप्लेंट्स होती है ना, मीटू मूवमेंट वाली कंप्लेंट्स, तो लड़कियाँ तो लड़कियाँ हैं लेकिन आदमी बिल्कुल जंग वाले तलवार वलवार लेके निकल जाते हैं. पॉलिटिशियंस को फ़ोन करते हैं. यहाँ से एक लड़की थी, उस दिल्ली वाली जो लड़की थी, विकी सरना का जो कंप्लेंट था उसका तो FIR ही दर्ज नहीं हुआ 3-4 हफ्ते बाद. क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर उसने कंप्लेंट करी थी उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ. और ये लड़की कौन, बेचारी दिल्ली की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस. तो ये भी देखो ना, वो तो सारा ऑल गन्स आउट, आदमियों के सारे गन्स निकल जाते हैं. ऑब्वियसली आदमी खराब है ना, वरना तो लड़की को परेशानी क्यों करता. एक ऐसा आदमी जो किसी लड़की के साथ झगड़ रहा है, लड़की के साथ उसकी प्रॉब्लम हो रही है इस लेवल पे, हरासमेंट की लेवल पे, मतलब इश्यूज हैं, तो अब कंप्लेन कर रही है तो ये सारा निकल रहा है, तो लड़कियाँ कभी बैकआउट हो जाती हैं, हिम्मत नहीं होती है सबकी. मैंने बोला ना, मैं खड़ी हूँ क्योंकि नितिन जी है और नितिन जी का टीम है. मैं जितनी बार मैं थक जाती हूँ, बोलते नहीं नहीं हम खड़े आपके साथ, ये जितना ज़रूरी है आपका, अच्छा ठीक है. और मैं भी जितना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभार शक्ति नहीं होती है क्योंकि मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक, मीटू मूवमेंट आज भी जारी है लेकिन इंडिया के अंदर जो अवेयरनेस है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में 2013 में विशाखा गाइडलाइन दिया था, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया था. एक गाइडलाइन पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने को ऑल सेक्रेटरीज को बताया गया था. लेकिन आज भी विशाखा गाइडलाइन क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट वो क्या होता है,
इसके बारे में बीच में कोई यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा था, ये क्या होता है विशा का गाइडलाइन? फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बोलते हैं एक्टर्स, बोलते हैं ये क्या होता है, ये कुछ यूजलेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करने के बाद भी आज जनता को, लोगों को या फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को मालूम नहीं है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्किंग प्लेस के बाद क्या एक कमेटी फॉर्म करना चाहिए, अगर किसी महिला की शिकायत आती है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है।